पूरी के चम्मच के साथ पैदा हुए चिराग पासवान, पूरी खबर बताएंगे आपको विस्तार से। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अनीशा भारद्वाज और आप देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने लोजपा रामविलास प्रमुख चिराग पासवान पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि चिराग सोने के चम्मच के साथ पैदा हुए हैं, मुंबई गए थे हीरो बनने के लिए, फ्लॉप होकर वापस आए हैं, खाली अपने आप को प्रधानमंत्री का हनुमान और शेर का बच्चा कहते हैं, लेकिन हम उनको शेर का बच्चा नहीं मानते हैं, हम शेर का बच्चा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को मानते हैं, उनकी मैं इज्जत करता हूं, आज भी हमारे ऑफिस में उनकी तस्वीर आपको मिलेगी, आज भी उनके पार्लियामेंट वाले भाषण को सुनते हैं तो सीना चौड़ा हो जाता है गर्व से कि कोई शेर का बच्चा पार्लियामेंट में किस तरीके से बोल रहा है। चिराग खुद को शेर का बच्चा बोलकर खाली घूमते हैं। आप पिता के रास्ते पर चलिए, आपके पिता और पार्टी को खत्म करने वाले और कुर्सी से हटाने वाले के पीछे पीछे आप घूम रहे हैं और हनुमान बने हुए हैं। शेर का बच्चा रामविलास पासवान था। अगर आपको शेर का बच्चा बनना है तो स्वर्गीय रामविलास पासवान के रास्ते पर चलिए, जैसे आज हम लोग चल रहे हैं और दलितों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान जी के बारे में ज्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, वो सोना का चम्मच लेके जन्म लिए हैं, बॉम्बे गए थे हीरो बनने के लिए, वहाँ से फ्लॉप हो गए हैं, खाली अपने आप को हनुमान कहते हैं और शेर का बच्चा कहते हैं, हम नहीं मानते, हम शेर का बच्चा उनको मानते हैं, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को, जिनको मैं इज्जत करता हूँ, आज भी हमारे ऑफिस में जाइए उनके तस्वीर आपको दिखेगा, आज भी उनका भाषण पार्लियामेंट का सुनते हैं ना तो सीना चौड़ा हो जाता है कि कोई शेर का बच्चा पार्लियामेंट में इस तरीके से बोलते रहा है। आप हनुमान बन के घूम रहे हैं, आप पहले अपने पिताजी के बताए हुए रास्ते पे चलिए, आप देखिए वो आपके पिताजी का बनाया हुआ पार्टी को खत्म करने वाला, आपके पिताजी को बंगला से का मूर्ति हटाने वाला, आप उनके पीछे पीछे घूम रहे हैं और अपने आप को हनुमान बने हैं। शेर का बच्चा रामविलास पासवान जी थे, अगर शेर का बच्चा आपको बनना है तो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के रास्ते पे चलिए, आज जैसे हम लोग चल रहे हैं, हम लोग स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के रास्ते पे चल रहे हैं और हम गरीब किसान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले अपने पिताजी के सिद्धांत पे चले, हर आदमी को अपने अपने पूर्वज का अपने पिताजी के सिद्धांत पे पहले भी चलना चाहिए। प्रधानमंत्री जी तो है, वो विकास करेंगे तो हम भी उनको बहुत बधाई देंगे। आज क्यों मोदी जी, अभी वैक्सीन वाला जो कोरोना सर्टिफिकेट था, आज मोदी जी क्यों अपना तस्वीर हटा लिए ये बताइए। और जब वो जब लगवा रहे थे जबरदस्ती पकड़ पकड़ के डबल डोज, तभी तो अपना फोटो लगवा रहे थे, और आज वो फोटो क्यों हटवा दिए, क्योंकि आज कोरोना का वैक्सीन लगने से आज देश में बहुत सारे लोग मर रहे हैं और उनको एहसास हो रहा है कि जो लोग मर रहा है वो सर्टिफिकेट लेके आएंगे कि बताएंगे कि हम लोग मर रहे हैं, आज इसलिए उन्होंने सर्टिफिकेट में से फोटो हटाया है। बिहार और बंगाल की तमाम खबरों को लगातार देखने के लिए बने रहिए जीबीएन 24 न्यूज के साथ।